सो नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक हमारे न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। राम राम आप सभी को। जो राम रामी के लिए स्पेशल वीडियो है, जो कि डल्टन जेन के लिए है, जो 17 अप्रैल को आने वाला है, जो सब कोई डीजे सेटअप जा रहे हैं। तो आप लोग, इससे पहले मैंने एक तो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था, और इससे पहले मैंने एक तो कम्युनिटी भी पोस्ट किया हुआ था, जिसमें कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट किया हुआ था कि उस जगह पर कौन कौन सा डीजे सेटअप जा रहा है, डल्टन जेन के बारे में अपडेट चाहिए क्या। तो उस जगह पर आप लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब आप लोग कमेंट किए कि हाँ भाई चाहिए चाहिए। तो आप लोग का सबसे पहला चॉइस है कि डीजे सार्जन। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि डीजे सार्जन बिया का सेटअप जा रहा है कि नहीं उस जगह पे। तो भैया, इससे पहले सार्जन बिया 95% का जो आप लोग बोले थे कि 95% कन्फर्म हो चुका है, तो आप लोग का मैं अपना तरफ से राय बता रहा हूँ और कुछ कुछ जानकारी मिला है, ठीक है। मैं अपना तरफ से कन्फर्म होकर ही आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि सार्जन बिया का भी सेटअप कन्फर्म हो चुका है डल्टनगंज में। बाकी साहब पंकज बिया का भी सेटअप तो कन्फर्म हो चुका है। बाकी बात रहा कि सस्ती बिया का सेटअप, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि सस्ती बिया का भी सेटअप जा रहा है डल्टनगंज, तो ऐसा बात नहीं है। सस्ती बिया का सेटअप जा रहा है यहाँ पर बोकारो बालीडी जो टूल प्लाजा के सामने जो सेटअप लगेगा वहाँ पर ही, उसका वो सस्ती बिया का सिर्फ सेटअप नहीं जा रहा वहाँ पर ही। बाकी भाई वहाँ पर जय भले का बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, तो जय भले भैया का भी सेटअप जाने वाला है, यानी कि मुकेश भैया का सेटअप उस जगह पर उसका भी सेटअप जाने वाला है। बाकी तो धड़कन डीजे का 2-3 साल पहले से ही कन्फर्म हो चुका है, वो भी आने वाले हैं धड़कन डीजे। बाकी दोस्तों बात रहा कि उस जगह पर कॉम्पिटिशन होने की संभावना है कि नहीं, देखिए संभावना तो बहुत कम चांस है, 50% चांस है, 50% चांस है, 50% चांस नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब जगह पे कंपटीशन होने का बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है। बड़ा बड़ा सेटअप मंगवा रहा है मतलब कुछ बड़ा जगह ही होगा, और उस जगह में उतना बड़ा सेटअप का कंपटीशन होना बहुत कम चांस होता है। लेकिन मेरा उम्मीद करता है कि उस जगह पे कंपटीशन होगा, जबकि इतना बड़ा बड़ा सेटअप मंगवा जा रहा है तो कंपटीशन होने का ज़्यादा ही संभावना है। लेकिन इतना आपको बता दे रहे कि सब डीजे वाले के साथ तो नहीं होगा, एक दो डीजे वाले के साथ खास जो है वो लोग के साथ होगा। बाकी देखते दोस्तों कौन कौन सा डीजे सेटअप आता है। और एक चीज़, वहाँ पर बहुत सारा लोकल में भी डीजे सेटअप है जो आने वाले हैं, उस सब चीज़ के बारे में अभी आप लोग को जानकारी ना दे रहे वही सही है, क्योंकि उस जगह पर उन लोग का कंफर्म नहीं हुआ है। अभी 4 जन का कंफर्म हुआ है, सार्जन भैया का सेटअप एंड पंकज भैया का सेटअप एंड मुकेश भैया का सेटअप, यानी कि जय भोले एंड धड़कन भैया का सेटअप, ये 4 सेटअप अभी कन्फर्म हो चुका है। तो यही था दोस्तों छोटा मोटा जानकारी आप लोग के लिए कि 4 डीजे सेटअप कन्फर्म हो चुका है। एंड उस जगह पर आपका भाई यानी सुमित भाई आपके वहाँ पर आ रहे हैं, एंड उस जगह पर आप लोग को पूरा डिटेल्स के साथ ब्लॉग दिखाएगा। बाकी आप लोग को किस तरह का ब्लॉग चाहिए वो चीज़ अपना कमेंट करके राय बताइएगा। उड़ीसा का तरह अगर आप लोग को ब्लॉग चाहिए तो उस तरह का भी मिलेगा। बाकी आप लोग को अपडेट चाहिए सिर्फ वो भी मिलेगा। तो अगर आप लोग को दोनों चाहिए तो आप लोग को दोनों भी मिलेगा। बाकी दोस्तों उस जगह पर कौन कौन भाई लोग जाना चाहते हैं एक बार अपना कमेंट करके राय बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं डाल्टनगंज में, क्या कुछ होता है ब्लॉग में आप लोग बताएंगे आप लोग को सब चीज़, जिस तरह का हम लोग ब्लॉग बनाते हैं उस तरह के ब्लॉग में हर एक बार आता है, और इस बार भी आएगा ब्लॉग, और उस टाइम आप लोग को पूरा A to Z जैसे हम लोग गए हैं वहाँ पर किस तरह से क्या हुआ सब चीज़ दिखाएंगे। एंड 2 से 3 दिन पहले हम जाने के ट्राई करेंगे वहाँ पर किस तरह से सेटअप रेडी हो रहा, किस तरह से नहीं, जिस तरह से हम उड़ीसा गए हुए तो उसी तरह से इस बार भी जाएंगे डल्टनगंज। मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि सबसे आगे जाने के ट्राई करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है एक बार अपना कमेंट करके बताइएगा किस तरह का ब्लॉग चाहिए। एंड दोस्तों वहाँ पर ये कौन कौन भाई लोग मिलना चाहते थे, बहुत सारा भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आइए आपसे मिलना है या कुछ भी, तो वो लोग सभी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं डल्टनगंज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।